हेलो हेलो एवरीवन माय नेम इज़ मानवी एंड आई वेलकम यू ऑल टू द लेक्चर सिक्स ऑफ द जावा प्रोग्रामिंग सीरीज लॉन्च्ड बाय पीडब्ल्यू स्किल्स आई होप आपने लास्ट लेक्चर देख लिया होगा आपको जावा की डिफरेंट ऑपरेटर्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कंडीशनल्स और मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आपने लास्ट लेक्चर देख लिया होगा क्योंकि अगर आपने लास्ट लेक्चर में कंडीशनल्स नहीं पढ़े हैं तो आपको शायद आज के लेक्चर में थोड़ी दिक्कत आ सकती है तो अगर आपने पुराना लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज पहले उसे देख लीजिए देन कंटिन्यू विद दिस लेक्चर सो होते क्या है सी रियल लाइफ में अलॉट ऑफ टाइम्स वी आर पोस्ट विद देन वी शुड डू दिस इफ देन वी शुड डू दिस ठीक है तो बेसिकली फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर ऑड है या इवन है ये डिटरमाइन करने के लिए आप क्या करते हैं इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय टू इट इज इवन इफ इट इज नॉट डिविजिबल बाय इट इज ऑड इफ यू आर ग्रेटर देन एटीन यू आर अ एन एडल्ट इफ यू आर लेस देन एटीन यू आर अ यू आर नॉट एन एडल्ट यू आर अ टीन एज सो इस तरह की कंडीशन्स को जावा प्रोग्रामिंग में इवेलुएट करने के लिए कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज होते हैं और आज के लेक्चर में हम ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखने वाले हैं जावा में दो तरह के कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं इफ एल्स एंड स्विच हम दोनों ही देखेंगे और कुछ कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो पहला कंडीशनल स्टेटमेंट जो हम देख रहे हैं वो है इफ और ये जो इफ एल्स ये जो सारे वर्ड्स है ना ये सब जावा के रिजर्व की हैं अब रिजर्व की क्या होते हैं की क्या होते हैं हमने पहले भी फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में डिस्कस किया है कि कीवर्ड्स वो वो वर्ड्स होते हैं जावा के अंदर जो जावा लैंग्वेज में रिजर्व है फॉर जावाज यूज बेसिकली इन वर्ड्स का जावा के लिए कोई मतलब है जावा प्रोग्रामिंग जावा का कोड उन वर्ड्स को समझ सकता है तो आप उन इन वर्ड्स को एज आइडेंटिफायर कभी यूज नहीं कर सकते अगर आपने आइडेंटिफायर की नेमिंग वाला लेक्चर देखा है तो करेक्ट सो इफ एल्स आर वर्ड्स दैट जावा अंडरस्टैंड बाय इट ठीक है तो इफ स्टेटमेंट का सिंटेक्स देखते हैं लिखने का तो हम लिखते हैं इफ फिर हम लगाते हैं राउंड ब्रेसेस और इस इस राउंड ब्रेसेस में हम डालते हैं कंडीशन अब ये कंडीशन कुछ भी हो सकती है ये कोई बुलियन वैल्यू इवेलुएट हो रही हो सकती है या ये कुछ एक्सप्रेशन हो सकता है ठीक है कुछ भी हो सकता है और अगर वो चीज ट्रू है इफ दैट कंडीशन इज ट्रू देन इवेल्युएट वट एवर इज इन दी करली ब्रेसिस आफ्टर इट स्टेटमेंट के बाद आप 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 ना लगाएं, होता है 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 याद रखने वाली बात ये है, कि अगर आप option, अगर आप curly braces नहीं लगाएंगे, तो सिर्फ एक ही line evaluate होगी मतलब मान लीजिए जो code है, उसमें तीन लाइनें थी ये लाइन वन ऑफ कोड है ये line two of code है, ये है है तो अगर हमने करली ब्रेसेस लगाए हैं तो एल वन एल टू एल थ्री तीनों लाइन पर अगर आप करली ब्रेसेस नहीं लगाते और लाइन वन लाइन टू लाइन थ्री यहीं लिख देते हैं तो इफ स्टेटमेंट के ट्रू होने पे सिर्फ लाइन वन चलेगी ब्रेसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है तो ये तो था इफ स्टेटमेंट की लेट्स से फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई से है, ये चेक करते हैं ठीक है लेट्स नम मॉडल टू मॉडल क्या देता है हमें रिमाइंडर देता है राइट इफ यू रिमेंबर बस इतना करना होता है पर अगर लेट से अगर इवन नंबर अगर नंबर इवन नहीं है तो नंबर क्या है उस केस में हमें क्या करना चाहिए वो चीज जाती है एल स्टेटमेंट के ब्रेसेस में तो अगर हम यहाँ पे एल्स लगा दें तो अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो अगर इफ स्टेटमेंट का जो ब्लॉक इफ स्टेटमेंट की कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स में हम चले जाएंगे ठीक है तो ये होता है इफ एल्स स्टेटमेंट तो हमने पढ़ा इफ स्टेटमेंट पढ़ा हमने पढ़ा इफ एल्स स्टेटमेंट ठीक है अब हम इसको यूज करके एक कोड लिखते हैं उसके बाद हम एक इफ इफ एल्स स्टेटमेंट भी पढ़ने वाले हैं ठीक है तो पहला कोड हम लिखेंगे कि प्रिंट ऑड इफ द इनपुट वैल्यू इज ऑड अदरवाइज प्रिंट इवन ठीक है सो so, एक नया क्लास बना लेते हैं ऑड इवन नाम रखते हैं ठीक है सो पी एस वी एम हम इनपुट लेते हैं यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं अगर आपने पुरानी लेक्चर्स देखे हैं तो स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं लेट्स नेम इट एस सी ओनली ओके न्यू स्कैनर एंड सिस्टम डॉट इन इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम एक नंबर इनपुट लेंगे हमें एक इंटीजर इनपुट लेना है इनपुट कैसे लेते हैं इंटीजर को नेक्स्ट इन ठीक है अब हमें क्या करना है अगर ये नंबर इवन है तो इवन प्रिंट करना है ऑड है तो ऑड प्रिंट करना है तो इफ अब नंबर इवन या ऑड है ये कैसे पता चलता है उसको हम डिवाइड करते हैं टू से अगर रिमाइंडर टू जीरो आता है तो इवन है और रिमाइंडर इज नॉन जीरो तो ऑड है ठीक है और रिमाइंडर हम कैसे निकाल सकते हैं मॉडलस ऑपरेटर से If this is zero, then print even. Else, और कोई condition हमने यहाँ add नहीं करी ठीक है अब number को कोई input देते हैं टेन देते हैं टेन even था एक बार फिर से run करते हैं इस बार कोई odd number input देंगे फाइव देते हैं ऑड आ गया तो कंडीशनल हमने एक लॉजिक लिखा और उसको हमने रन करके देखा तो इफ स्टेटमेंट ऑफ इफ एल स्टेटमेंट ये होते हैं ठीक है नाउ नेक्स्ट आर इफ एल्स इफ स्टेटमेंट ठीक है अब क्या हो सकता है कई बार इस पर्टिकुलर केस में तो हमारे पास नंबर इवन नहीं था तो वो ऑड था सिर्फ दो ही सिचुएशंस थी पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इफ दिस इज ट्रू डू दिस एल्स सम नई कंडीशन आ जाए ठीक है लेट लेट्स फॉर एग्जांपल अगर हम ये टीनेज वाला एग्जांपल लें कि अगर चिल्ड्रन बिलो ट्वेल्व है अगर एज ऑफ अ पर्सन बिलो ट्वेल्व है तो चाइल्ड आउटपुट करना है अगर ट्वेल्व और एटीन के बीच में है तो टीनेजर आउटपुट करना है और एटीन है या एटीन से ऊपर है तो अडल्ट आउटपुट करना है तो इस केस में ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर लेस देन टवेल्व है तो चाइल्ड और अगर ग्रेटर देन ट्वेल्व है तो एडल्ट ऐसा नहीं है ना अगर ग्रेटर देन ट्वेल्व है तो उसके बाद भी हमें कंडीशन अभी खत्म नहीं हुई हमारी पहली कंडीशन हमारी लेस देन थी बेसिकली कहने का मतलब यह है कि हमारे पास मल्टीपल कंडीशन हैं जिन्हें हमें इवेलुएट करना पड़ेगा तो उस केस में यूज आता है एल्स इफ स्टेटमेंट हम इफ स्टेट हम इफ कंडीशन को तो ऐसे ही लिखते हैं जैसे लिखी जाती है एल्स के बाद एक और इफ लगाया जाता है टू चेक दंडीशन देखिए यहाँ पे कंडीशन वन कंडीशन टू ऐसी कंडीशन थ्री भी हो सकती थी और लास्ट में एक एल्स आप लगाएं एल्स स्टेटमेंट कंपलसरी नहीं होता आप एल्स लगाएं ना लगाएं ड मैटर एल्स इफ भी कंपलसरी नहीं होता वैसे बट अगर आपके पास तीन कंडीशन हैं और एक फोर्थ डिफॉल्ट कंडीशन है तो आप तीन एक बार आप इफ लिखेंगे फिर दो बार आप एल्स इफ एल्स लिखेंगे फिर फोर्थ कंडीशन में आप एल्स लिख देंगे ठीक है एक एग्जाम्पल से इसको कोड करके देखते हैं फिर हमको ईजिली समझ आएगा तो यही वाला प्रोग्राम लिखेंगे हम कि एज ग्रुप्स में हमको डिवाइड करना है Let's create a new file and let's call it as age group. Let's take age input from the user itself Int age equal to sc.next dot next int. Now what we have to do is if age is below twelve, if age is let's say less than equal to twelve agar salkavichaya, so let's call hum, uh, let's call him or her a child only. So in this case we have to print child. एल्स एल्स अब हमारे पास दो कंडीशन और हैं दूसरी कंडीशन क्या है हमारी पहली कंडीशन तो लेस देन थी दूसरी कंडीशन है ग्रेटर देन एंड लेस लेस देन 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 सो एज एज ग्रेटर एंड एंड इज ऑपरेटर याद है पिछले वीडियो से अगर मल्टीपल कंडीशन को चेक करना है तो एंड ऑपरेटर यूज होता है डबल एंड सिंगल एंड नहीं तो एज ग्रेटर देन और एज लेस देन एटीन एंड एज लेस देन एटीन ये कंडीशन अगर ट्रू है तो हमें क्या प्रिंट कराना है टीनेजर. एल्स, अब इसके अलावा क्या सिचुएशन होगी एटीन से बड़ा ही होगा राइट सो so, हमें यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है हम लिख सकते हैं हम चाहें तो बट इट डर एनी वे एज ग्रेटर देन एटीन विल बी ट्रू फॉर एनी नंबर विच इज ग्रेटर तो ट्वेल्व से हम नीचे हम डील कर चुके हैं ट्वेल्व टू एटीन हम डील कर चुके हैं तो एटीन से प्लस ही बचा हुआ है तो ये लिखने की हमें जरूरत नहीं है हम लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए इनपुट देते हैं लेट्स से इयर्स हम दे रहे हैं इनपुट तो चाइल्ड आ गया लेट्स रन अगेन इस बार लेट्स से हम कोई एडल्ट की एज देते हैं सेवेंटी फाइव एडल्ट आ गया एक और बार ट्राई करते हैं ट्वेल्व और एटीन किसी टीनेजर की एज देते हैं लेट्स से आ गया मल्टीपल so कंडीशन को इवेलुएट करने के लिए यूज होते हैं नेक्स्ट अंदर और भी एक ब्लॉक के अंदर nested if -else लिख सकते हैं फिर से कहने का मतलब है एक बार आपने इफ ब्लॉक के अंदर कुछ लिखा उसके अंदर आप फिर से कोई ना कोई कंडीशन डाल सकते हैं ठीक है सो फॉर एग्जाम्पल इफ कंडीशन वन इज ट्रू देट दिस ब्लॉक ऑफ कोड ये पूरा ब्लॉक ऑफ कोड इवेलुएट हो रहा है और इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर हमने अंदर कंडीशन डाली है ठीक है सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम पिछले वाले एग्जाम्पल पे जाए अपने तो हम क्या कर रहे थे पिछले एग्जाम्पल में एज चेक कर रहे थे कि इफ एज इज लेस देन इक्वल टू ट्वेल्व ठीक है तो इफ एज लेस देन इक्वल टू ट्वेल्व में मान लो कि हमें लेस देन भी दो ग्रुप्स में डिवाइड करना था तो लेस देन फाइव को हमें टॉडलर कहना था और प्लस फाइव में हमें वो क्या प्लस फाइव में हमें चाइल्ड कहना था तो एज लेस देन इक्वल टू ट्वेल्व के अंदर भी दो कंडीशन है five, toddler, और एल्स प्रिंट चाइल्ड ये करली ब्रेसेस ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं गलत जगह लग जाएंगे तो आप करना कुछ और जा रहे होंगे और वो हो कुछ और जाएगा ठीक है तो ये हमने एक एग्जाम्पल लिया नेस्टेड इफेल स्टेटमेंट का नाउ लेट्स लुक एट कंडीशनल ऑपरेटर्स लॉजिकल लॉजिकल एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर ये दोनों ऑपरेटर्स हमने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़े थे दो बार हम एम्परसन साइन और दो बार हम ये वर्टिकल बार्स बना के लॉजिकल एंड और लॉजिकल और ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करते हैं ये यूज कब होते हैं वेन अ कंडीशन हैव मल्टीपल एक्सप्रेशन टू बी इवेल्युएटेड मतलब मल्टीपल बोलियन एक्सप्रेशन को अगर हमें कंबाइन करना है तो हम लॉजिकल एंड या लॉजिकल और ऑपरेटर यूज करते हैं करेक्ट आगे हम एग्जाम्पल्स भी देखेंगे तो अगर आप भूल गए हैं तो आपको याद आ जाएगा पिछले लेक्चर में हमने लॉजिकल एंड और लॉजिकल और पढ़ा था तो यहां पर हम उसको कंडीशन कंबाइन करने के लिए यूज कर रहे होंगे सो फॉर एग्जाम्पल अभी तक हमने क्या किया था अगर कोई नंबर इवन था तो हमने इवन प्रिंट कराया था और इवन होता है कि अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे सिर्फ वही even numbers चाहिए हैं जो जो थ्री के मल्टीपल भी हों ठीक है तो यहाँ पे मेरे पास दो कंडीशन है सारे इवन नंबर थ्री के मल्टीपल नहीं होते हैं ना लेट्स से एट एट इज इवन नंबर बट वो थ्री का मल्टीपल नहीं है करेक्ट तो यहाँ पे दो कंडीशंस है इन दोनों कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए हम एंड ऑपरेटर यूज करते हैं लॉजिकल एंड ठीक थर्ड होते हैं टर्नरी ऑपरेटर्स ये बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं और बहुत ही यूजफुल शॉर्ट हैंड वे होता है इफेल्स को लिखने का एक्चुअली टर्नरी ऑपरेटर इज नथिंग न्यू पर हमने जो स्टार्टिंग में इफेल्स ऑपरेटर पढ़ा था ना कि इफ दिस इज ट्रू देन डू दिस एल्स डू दिस करेक्ट ये हमने पढ़ा था तो इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर्स इसका सिंटेक्स देखिए कैसा होता है रिजल्ट इज सम वेरिएबल ठीक है जिसमें आंसर आएगा इज इक्वल टू अगर यहाँ पे हम कोई कंडीशन लिखने वाले हैं कंडीशन वन अगर कंडीशन वन ट्रू है तो आंसर होना चाहिए आंसर वन वरना आंसर होना चाहिए आंसर टू इफ एल्स अगर आपको याद है तो उसमें भी कुछ ऐसा ही कर रहे थे ना जैसे हमने इवन ऑर्ड वाला एग्जाम्पल कोड किया तो उसमें क्या था कि इफ नंबर मॉडल टू वो जीरो तो हम इवन प्रिंट करते थे एल्स हम ऑड प्रिंट करते थे सेम चीज हम कंडीशनल ऑपरेटर से भी कर सकते हैं बट सिंटेक्स देखिए इसमें ना कोई ना कोई रिजल्ट रिटर्न हो रहा है तो ये टर्नरी ऑपरेटर मस्ट रिटर्न रिजल्ट तो रिजल्ट अगर आप नहीं लिखेंगे तो एरर आएगा ठीक है हम इसको एक एग्जाम्पल से भी देख लेते हैं जो हमने ऑड इवन वाला एग्जाम्पल किया था उसी के उसी, उसी को करके देखते हैं इससे नंबर हमने इनपुट लिया हुआ है अब क्या करना है अगर नंबर मॉडल टू अगर जीरो है तो इवन प्रिंट करना है अदरवाइज अदरवाइज वाली चीज हम कहा लिखते हैं कोलन के बाद अदरवाइज हमें ऑड प्रिंट करना है ठीक है अब मैंने आपको एक बात बताई सिंटेक्स बताते हुए कि ये टर्नरी ऑपरेटर्स मस्ट ऑलवेज रिटर्न सम रिजल्ट लेकिन यहां पर हमने कोई रिजल्ट रिटर्न ही नहीं किया हमने कोई वेरिएबल नहीं रिटर्न किया जो इस कंडीशन के बेसिस पे निकलने वाला था इसलिए ये रेड स्क्विगल्स दिख रहे हैं आपको तो हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं मान लीजिए हम रिटर्न कर रहे हैं स्ट्रिंग आंसर सो so, हम आंसर रिटर्न करवाते हैं और कैसे रिटर्न करवा रहे हैं हम ना प्रिंट नहीं करवाते हम ये इवन यहाँ से रिटर्न करा देते हैं डायरेक्टली तो आंसर एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर इवन या आएगा डिपेंडिंग कि नंबर है या नहीं है उसके बाद हम आंसर प्रिंट करा देते हैं ठीक है लेट्स से इनपुट देते हैं टेन टेन इवन था सी इवन आ रहा है आंसर एक बार ऑड भी देके देखते हैं 7. तो है तो हमें ये इफ एल्स लिखने की जगह ये काम हम पांच छह लाइन में करने की जगह हम एक लाइन में कर पाए पे करने का काम ठीक है तो दिस इज द यूज ऑफ टर्नरी ऑपरेटर्स और आप बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं टर्नरी ऑपरेटर्स लाइक शॉर्ट हैंड नोटेशन होती है तो कुछ छोटा काम होता है इफेल्स के लिए तो टर्नरी ऑपरेटर्स यूज कर लेते हैं ठीक है इफ एल्स भी यूज कर सकते हैं नो इश्यूज नाउ सम कॉमन मिसकंसेप्शंस हमने पिछले लेक्चर में दो तरह के ऑपरेटर्स पढ़े थे लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड बिटवाइज ऑपरेटर्स दोनों में ही एक एंड नाम का ऑपरेटर था लॉजिकल एंड एंड बिटवाइज एंड जो लॉजिकल एंड था उसमें एम्पोसिट साइन दो बार आता है और जो बिटवाइज था उसमें एक बार आता है सिमिलरली सेम चीज और ऑपरेटर के लिए थी ये रिप्रेजेंट्स लॉजिकल और एंड दिस रिप्रेजेंट्स बिटवाइज और दिस रिप्रेजेंट्स लॉजिकल एंड सो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है कई बार बच्चे दो एम दो एंड लगाने की जगह सिंगल एंड लगा देते हैं और सोचते हैं कि कंडीशन ही वैल्युएड होंगी पर उस वक्त पे आप एक्चुअल में बिटवाइज ऑपरेटर एंड यूज कर रहे हैं ना ना कि लॉजिकल ठीक है बिटवाइज याद है ना आपको नहीं याद है तो पिछला लेक्चर देखिए नाउ लेट्स राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द वैल्यू इफ इट इज इवन एंड डिविजिबल बाई थ्री ठीक है अब हम यहाँ पे लॉजिकल एंड यूज करने वाले हैं क्योंकि हमारे पास दो कंडीशन है हमें वैल्यू प्रिंट करनी है अगर वो इवन है और थ्री से डिविजिबल है तो ठीक है वरना हमें कुछ प्रिंट नहीं करना है लेट्स मेक अ न्यू क्लास कंडीशनल लेट्स नेम इट कंडीशनल ऑपरेटर्स सो एक वैल्यू इनपुट लेते हैं यूजर से हमें क्या करना है अगर ये वैल्यू इवन है और इवन ये कैसे पता चलता है मॉडलस टू शुड बी जीरो ठीक है एंड इट शुड बी डिविजिबल बाय थ्री आल्सो सो एंड और थ्री से डिविजिबल है ये कैसे पता चलेगा ये थ्री से उसका मॉडलस निकाल के पता चलेगा रिमाइंडर शुड बी जीरो सो इफ बोथ ऑफ दीज कंडीशंस आर ट्रू देन वी हैव टू प्रिंट द वैल्यू कोई मैसेज दे देते हैं फाउंड आंसर ठीक है, एल्स में हमें क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है करने के लिए सिर्फ अगर ये दोनों हैं तो है। है। तो तो है, है। तो देखिए कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ नाउ लेट्स गिव एन एग्जाम्पल जो इवन हो और थ्री से भी डिविजिबल हो फॉर एग्जाम्पल थर्टी सो फाउंड आंसर थर्टी सो दिस वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ यूजिंग लॉजिकल एंड ऑपरेटर to evaluate the result of multiple conditions combined. ठीक है। and remember and operator is Raja हरिशंद्र। or you can say it is multiply. so if all the conditions are true only then it evaluates to be true. ठीक है। and एक fun fact और भी है and operator के बारे में। अगर किसी भी point पे कोई भी एक भी expression false होता है ना तो वो आगे की values को evaluate करता नहीं है। the and operator is smart enough कि अगर मान लो ये अगर हम इसको लेट से इनपुट देते हैं हम इसको सेवन तो सेवन के लिए ना यही वाली चीज फॉल्स हो जाएगी तो इंटरनली कंपाइलर विल नेवर रीच दिस पॉइंट तो अगर पहली चीज है ये अगर फॉल्स हो गई है ना तो दूसरी कंडीशन इवेलुएट होती नहीं है एंड ऑपरेटर के केस में इंटेलिजेंट नो no? क्योंकि अल्टीमेटली आंसर ही आना है तो पूरा आपका पूरा आंसर क्यों कैलकुलेट करना जीरो का मतलब था फॉल्स आना है ठीक है नाउ लेट्स राइट अनदर प्रोग्राम इट सेज राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द वैल्यू इफ इट इज डिविजिबल बाय थ्री और फाइव अब क्या क्वेश्चन है थ्री से डिविजिबल हो या फाइव से डिविजिबल हो दोनों से डिविजिबल होना जरूरी नहीं है किसी एक से भी डिविजिबल है तो हमें आउटपुट देना है ठीक है तो यहाँ क्या यूज होगा लॉजिकल और ऑपरेटर ठीक इसी कोड को मॉडिफाई कर लेते हैं अगर थ्री से डिविजिबल है या फाइव से डिविजिबल है ठीक है क्योंकि यहाँ पे हमने और ऑपरेटर यूज किया अब इन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा जो है इफ इफ ब्लॉक के अंदर जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा तो रन करके देखते हैं हम इनपुट देते हैं टेन। अब टेन के लिए मुझे बताइए टेन फाइव से तो डिविजिबल है पर थ्री से नहीं है एक कंडीशन ट्रू है दोनों ट्रू नहीं है पर एक ट्रू है तो आंसर मिलेगा ठीक है सिमिलरली अगर हम थ्री से डिविजिबल दें और फाइव से डिविजिबल ना दें तो भी आंसर मिलेगा पर अगर हम कोई ऐसी कोई वैल्यू दें जो ना फाइव से डिविजिबल हो ना थ्री से डिविजिबल हो फॉर एग्जाम्पल लेट्स तो हमें कोई आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि और भी ये बोल रहा है है ना यार एक चीज तो right? तो ट्रू हो राइट ठीक वी आर डन विद दी कंडीशनल ऑपरेटर्स नाउ लेट्स लुक एट स्विच केस अनदर वेरी इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट हमने इफ एल्स इफ स्टेटमेंट पढ़ा था है ना तो मान लो हमें एक प्रोग्राम लिखना है जो हमें इनपुट में देगा डे का नंबर डे नंबर देगा और हमें उसके कोरिस्पॉन्डिंग डे प्रिंट कराना है सो डे वन इज मंडे डे टू इज डे इज़ वेडनेसडे ऐसे अंटिल संडे हमको जाना है ठीक तो हम उसका कोड इफेल से कैसे लिखेंगे मान लो डे आपको कोई एक इंटीज़र मिला है और अगर डे इज वन देन यू विल प्रिंट मंडे Else if, यहाँ पे else if use हो रहा है है ठीक Wednesday तो ऐसे करके सेवन कंडीशंस बनेंगी और बड़ा लंबा सा कोड हो जाएगा अब इसी चीज को इस तरह के कंडी इस तरह के सिचुएशंस को सिंपल तरीके से लिखने का एक तरीका है स्विच केस स्टेटमेंट ठीक है स्विच केस इज जस्ट एन ऑल्टरनेटिव वे ऑफ राइटिंग ठीक है और तो स्विच कैसे काम करता है इज एंड हाउ डज इट एक्चुअली वर्क तो स्विच स्विच हम लिखते हैं स्विच की और उसमें हम पास करते हैं कोई एक्सप्रेशन अब ये एक्सप्रेशन क्या होता है ये वो एक्सप्रेशन है जिसके बेसिस पे आंसर्स कैलकुलेट हो रहे हैं जिसके बेसिस पे जिसके बेसिस पे कुछ ना कुछ इवेलुएट हो रहा है फॉर एग्जाम्पल हमारे अभी डे वाले केस में क्या एक्सप्रेशन था डे था डे के बेसिस पर इवेल्युएट हो रहा था कि क्या हमें प्रिंट करना है तो एक्सप्रेशन में हम पास करेंगे वो चीज जिसके बेसिस पे आंसर्स आने हैं उसके बाद केस एक्स केस वाई केस जेड कुछ भी एन नंबर ऑफ केसेस हो सकते हैं ये केसेस रहते हैं और लास्ट में डिफॉल्ट स्टेटमेंट रहता है अब केस एक्स का क्या मतलब है और एक्स क्या है एक्स इज द वैल्यू विच वी आर लुकिंग फॉर मतलब डे में हम लिख रहे थे ना अभी इफ डे इज इक्वल टू वन तो दिस वन वॉज वैल्यू दिस इज एक्स हेर तो यहाँ पे हम लिख रहे होंगे कुछ ऐसा कि केस वन है तो कुछ करना है केस टू है तो कुछ करना है ऐसा ठीक है सो समझ आ गया एक्सप्रेशन क्या है एक्स क्या है स्विच एंड केस अगेन आर की उसके बाद हम यहाँ पे कोड लिखेंगे जो भी कोड आपको प्रिंट करना है कोई कैलकुलेशन करनी है जो भी करना है ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम कर देंगे उसके बाद हम लगाते हैं ब्रेक कीवर्ड ब्रेक एक कीवर्ड है हम एक्चुअली अगले लेक्चर में डिटेल में भी देख रहे होंगे ब्रेक के बारे में बट अभी आप ऐसा समझ लीजिए ब्रेक का मतलब होता है ब्रेक स्टॉप ठीक है लिटरल कार वाला ब्रेक की बस रुक जाओ इसके आगे कुछ नहीं करना तो ये इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे अगर आप यहाँ नहीं लगाएंगे तो फ्लो जो है बिगड़ जाएगा प्रोग्राम का तो यहाँ पे ब्रेक लगाने का मतलब है कि यहाँ इस पर्टिकुलर केस के लिए बस यही रुक जाओ इसके आगे कुछ नहीं करना है ठीक है तो सिंटेक्स आपको समझ आता है स्विच स्विच के बाद दो करली ब्रेसेस उसके बाद केसेस सारे अब केस एक्स केस वाई ठीक और उसके बाद एक डिफॉल्ट केस मान लो हमने डे इनपुट दे दिया हंड्रेड ये तो इनवैलिड इनपुट है ना डे हंड्रेड तो कुछ होता ही नहीं है ऐसे तो केसेस में जहां पे कोई भी केस एक्स केस वाई केस जेड कुछ भी मैच नहीं करता तो फ्लो जाता है डिफॉल्ट वाले ब्लॉक में और डिफॉल्ट वाले ब्लॉक में हम सिर्फ कोड लिखते हैं ब्रेक स्टेटमेंट की उधर जरूरत नहीं होती नो लेट्स लुक एट दिस प्रोग्राम जो अभी हमने डिस्कस किया था कि वन टू थ्री डे के नंबर के बेसिस पे हमें डे प्रिंट करना है इसको हम स्विच केस बार लिख के देते ठीक है ऑल्सो अनदर इम्पोर्टेंट थिंग ये जो एक्सप्रेशन है ना ये इंटीजर हो सकता है कैरेक्टर हो सकता है ठीक है तो डिपेंडिंग अपॉन कि हम क्या कर रहे हैं ये एक्सप्रेशन चेंज हो सकता है ठीक लेट्स मेक अ क्लास एंड लेट्स कॉल इट एज डे डे का इनपुट यूजर से लिया अब स्विच के अंदर क्या डालना है हमें किसके बेसिस पे इवेलुएशन हो रही है डे इज द एक्सप्रेशन उसके बाद करली ब्रेसेस केसेस क्या क्या है हमारे पास केस वन अगर लेट्स से ये कैरेक्टर होता ना तो हम जो भी कैरेक्टर ढूंढ रहे हैं यहाँ पे वन की जगह वो कैरेक्टर आता ठीक केस वन में हमें क्या करना है हमें प्रिंट करना है मंडे ठीक है और उसके बाद हमें ब्रेक स्टेटमेंट लगाना है ब्रेक स्टेटमेंट लगाना मत लगा और केस टू में क्या करना है हमें ट्यूसडे प्रिंट करना है Now, सारे केसेस लिखने के बाद लेट्स से इफ वी गेट सम सम डे आउटसाइड सेवन तो वो केस कहाँ हैंडल होना चाहिए डिफॉल्ट में एंड इन दैट केस व्हाट वी विल प्रिंट इज एस आउट इन वैलिड डे नंबर ठीक है सो दैट शुड बी इट लेट्स ट्राई टू रन इट लेट्स गिव फाइव एज इनपुट

वट एवर वी है आउटपुट ऑफ दिस और एक्स की वैल्यूज गिवेन है अगर वाई मॉडल एक्स इज जीरोन प्रिंट गुड अदरवाइज प्रिंट बैड अब बताइए इसमें आउटपुट क्या होगा नाइन्टी मॉडल सिक्सटी तो जीरो नहीं होता है तो आउटपुट आना चाहिए बैड इसलिए बैड गुड नहीं आ सकता कंपाइलेशन एरर और नन भी नहीं क्योंकि अभी तो कोड देखने में ठीक लग रहा है कोई सिंटेक्स एरर नहीं लग रहा है ठीक है किसी तरह का कोई एरर नहीं है इसलिए आउटपुट आएगा बैट क्योंकि मॉडलस नाइनटी मॉडल सिक्सटी जीरो नहीं होता है इट्स नॉट जीरो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें भी एक्स और वाई की वैल्यू सेम है सिक्सटी एंड नाइन्टी ओनली बट कंडीशन डिफरेंट है वाई मॉडल एक्स इस बार टेन है या नहीं ये चेक हो रहा है नाइन्टी मॉडल सिक्सटी कितना होता है टेन नहीं होता y माइनस एक्स थर्टी है क्या हाँ नाइनटी माइनस सिक्सटी इज़ एक्चुअली थर्टी तो यहाँ हम चले जाएंगे एक्चुअली एल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमारी कंडीशन ट्रू हो गई है तो इसको प्रिंट करना चाहिए न्यूट्रल बट हमारे ऑप्शन में कहीं भी न्यूट्रल नहीं है तो आंसर क्या होगा नन ओके क्वेश्चन ठीक है नाइन्टी एंड सिक्सटी सेम वैल्यूज़ वाई इन टू एक्स क्या होता है वाई इं टू एक्स क्या है यहाँ पे फिफ्टी फोर हंड्रेड होगा ना फाइव फोर्टी तो नहीं होगा अब देखिए एंड ऑपरेटर है एंड ऑपरेटर में हमने क्या पढ़ा था कि अगर एक भी वैल्यू अगर एक भी वैल्यू ट्रू नहीं है तो इट रिटर्न फॉल्स इट इज़ नॉट इवेल्युएटेड एज अ ट्रूथ वैल्यू ऑल्सो हमने ये भी पढ़ा था कि अगर पहली ही वैल्यू या फिर कोई भी वैल्यू जिस ऑर्डर में हम हम लेफ्ट टू राइट इवेलुएट कर रहे हैं अगर कोई एक भी फॉल्स हो गई तो आगे इवेल्युएट ही नहीं होता तो एक्चुअल में जब कंपाइलर के टर्म्स में अगर मैं बात करूँ कि किस फ्लो में हो रहा होगा तो ये चेक भी नहीं होगा क्योंकि यही फॉल्स हो गया है तो so, क्या आउटपुट आना चाहिए एल्स में ही जाएंगे क्योंकि ये तो ट्रू हुआ नहीं तो बैड आउटपुट आएगा नेक्स्ट में देखो सेम कोड है एंड ऑपरेटर की जगह लॉजिकल एंड की जगह लॉजिकल और है है और में क्या होता अगर कोई एक भी एक्सप्रेशन ट्रू है तो पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू ट्रू आ जाती है है ना यही होता है लॉजिकल और तो इस केस में वाई टू एक्स ये फॉल्स था पर फिर भी आगे भी चेक होगा ना हो सकता है आगे कहीं ट्रू आ जाए एक्स प्लस वाई वन फिफ्टी हाँ जी नाइनटी सिक्सटी वन फिफ्टी होता है तो इस केस में गुड प्रिंट होगा ठीक अगला एग्जाम्पल स्विच केस पे है हमने सिमिलर सी चीज अभी एक क्वेश्चन में कोड की है सो आई विल लीव दिस एमसीक्यू फॉर यू टू सॉल्व कॉमेंट डाउन कि इसका क्या आउटपुट होगा तो ठीक है दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही आज हमने कंडीशनल ऑपरेटर्स पढ़े एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगले वीडियो में हम फॉर लूप वाइल्ड लूप डू वाइल्ड लूप कंटिन्यू ब्रेक इस तरह ये स्टेटमेंट्स पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है नेक्स्ट जो है ठीक है तो नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले आज के लेक्चर तक के सारे वीडियोस अच्छे से देख लीजिए प्रैक्टिस कर लीजिए ठीक है सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एज अ जेंटल रिमाइंडर आप पी डब्ल्यू स्किल्स डॉट कॉम वेबसाइट पर जाके लेक्चर्स के नोट्स असाइनमेंट्स और अपकमिंग लेक्चर्स का शेड्यूल एक्सेस कर सकते हैं एंड ऑल ऑफ दिस इज़ एबसलूटली फ्री ऑफ कॉस्ट एंड आई विल हाईली एडवाइज़ कि आप असाइनमेंट्स ज़रूर से सॉल्व करें लेक्चर्स के वीडियोज़ तो देखें ही बट इट्स मोर इम्पॉर्टेंट इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट इक्वली इम्पॉर्टेंट कि आप असाइनमेंट भी सोल्व करें आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी ग्रिप और मास्टरी बनेगी अगर आप साथ प्रैक्टिस -साथ क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहेंगे और अगर आपके कोई भी डाउट्स रह जाते हैं असाइनमेंट से रिलेटेड या लेक्चर से रिलेटेड तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फॉर्म को फिल कर सकते हैं